हमने बचपन से डोरेमोन देखा है, लेकिन नोबिता के पिता का ये इतना काला सा छब नहीं जानते थे, जिससे आपको देखने से भी डर लगेगा। स्पॉन्जबॉब का ये कौन सा एपिसोड था जिसमें कैरी मिनाती के वीडियो से भी ज्यादा गाली दी गई थी? भाई ऐसे ऐसे एपिसोड है ना जिनको आपने कभी नहीं देखा होगा, तो इस वीडियो में आप देख लोगे। तो इस वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मार देना। नंबर 1, डोरेमोन नोबिता'स डैड इज अ होबो। ऐसे तो डोरेमोन के कई सारे एपिसोड बैन किए गए हैं और उसके लगभग मोस्टली एपिसोड में कुछ ना कुछ एडिट होता ही है, क्योंकि जापान का जो ओरिजिनल डोरेमोन है वो इंडिया के बच्चों के लिए उतना भी ज्यादा चाइल्ड फ्रेंडली नहीं लगता। इसमें कई सारी ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो कि काफी वाइल्ड है और इसलिए एपिसोड्स को काफी ज्यादा सेंसर किया जाता है, पर ये वाला एपिसोड जो है उसे तो पूरा का पूरा बैन किया गया था। दरअसल नोबिता के जो पिता है उनको इसमें गरीब दिखाया गया था, वो भी बहुत ज्यादा, और वो सारे सिचुएशन जो इसमें दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा बुरे थे, यानी कि काफी ज्यादा इनसेंसिटिव और बहुत रूड थे। तो इसलिए इसे बैन किया गया था क्योंकि उनके पापा इतने रूड थे, क्योंकि लोगों को कंप्लेंट करना था कि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा रूड हो सकते हैं और होमलेस लोगों के खिलाफ इनसेंसिटिव, जो कि उन्हें बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। नंबर 2, स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स सेल माउथ। ये स्पंजबॉब का एक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल एपिसोड में से एक है। इस एपिसोड को लॉन्च करने के तुरंत बाद ही हर जगह से बैन कर दिया गया था। उसका रीजन ये है कि इसमें बहुत ही ज्यादा गाली का यूज किया गया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऑब्वियसली बच्चों का कार्टून है तो इन सारी गाली को सेंसर किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर समझ में आ जाएगा कि ये लोग गाली दे रहे हैं और बच्चों के कार्टून में ये सब दिखाना बहुत ज्यादा गलत है, और इसी वजह से इस कार्टून एपिसोड को बैन किया गया था। और उसी के साथ इस पूरे कार्टून में कई जगह पर सेंसर के लिए या फिर बस ऐसे ही डॉल्फिन का साउंड यूज किया गया था, जो कि सुनने में काफी वल्गर लग रहा था और इरिटेटिंग भी। और कई लोगों ने तो ये भी क्वेश्चन उठाया था कि ऐसे एपिसोड को आखिर बनाया ही क्यों गया। यहाँ तक कि इसके रिकॉर्डिंग के टाइम जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उन्होंने सच में गाली भी दी थी ताकि एडिट करने में आसानी हो सके। नंबर 3, छोटा भीम और कृष्णा माया नगरी। वैसे तो छोटा भीम का कोई भी एपिसोड स्पेसिफिकली बैन तो नहीं है, लेकिन उसके कई सारे पार्ट्स को लेकर या फिर एपिसोड्स को लेकर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुके हैं। जैसे कि ये वाला एपिसोड, नाम समझ गए होंगे कि रिलीजन से रिलेटेड है। इसमें लॉर्ड कृष्णा को दिखाया गया है जो कि हिंदू धर्म के काफी बड़े भगवान है। ऐसे में इसमें कृष्णा भगवान के कैरेक्टर को कुछ गलत तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उनको कार्टून कैरेक्टर की तरह यूज करना और अपनी स्टोरीज में बस एक कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस करना कुछ लोगों को काफी ऑफेंसिव लगा, और इस चीज को लेकर कई लोगों ने कंप्लेंट भी की थी, जिसके बाद इस एपिसोड की एयरिंग में स्टॉप लगा दिया गया था। बट हाँ, ये अभी भी एयर होता है। और यही नहीं, आगे जाकर और भी एपिसोड में लॉर्ड कृष्णा के कैरेक्टर का यूज किया गया था, और तभी भी कई लोगों ने क्वेश्चन किया कि ऐसे रिलीजियस एंटिटी को कार्टून कैरेक्टर की तरह यूज नहीं करना चाहिए अपनी स्टोरी को ऑल्टर करने के लिए। पर अगेन, इसमें कोई भी बुरी इमेज नहीं दिखाई गई, तो ये कम्प्लीटली ऑफेंसिव नहीं था, इसलिए ये एपिसोड्स बैन नहीं हुए। नंबर 4, टॉम एंड जेरी हिज माउस फ्राइडे। ये एपिसोड पहले तो कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज में बैन हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज में बैन हुआ और फिर पूरे वर्ल्ड में इस एपिसोड को बैन कर दिया गया। पहले तो इसे एयर किया गया और उसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखी, पर इसमें अफ्रीकन कंट्रीज को लेकर बहुत मजाक उड़ाया गया था और कई सारा स्टीरियोटाइप भी इसमें बनाए गए थे जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, और कई सारे अलग अलग टाइप के कल्चर्स को कॉमेडिक वे में शो किया गया था जो कि कार्टून के हिसाब से तो सही था, लेकिन पब्लिक के हिसाब से उनके बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं, क्योंकि बच्चे डार्क जोक्स तो नहीं समझ सकते। और इसमें एक पार्ट में टॉम को जूते खाते हुए देखा गया था जो कि अफ्रीका के पॉवर्टी और कैसे वहां के लोगों को खाना नहीं मिलता, इसके ऊपर काफी गंदा जोक था, तो इसलिए इस एपिसोड को बैन कर दिया गया। पर अभी भी ये कुछ जगह पर अवेलेबल है और हाँ, इसके गिफ आपको जरूर दिख जाएंगे। नंबर 5, मोटू पतलू इन द सिटी ऑफ गोल्ड। मोटू पतलू के इस एपिसोड को एक बहुत पॉपुलर इंडियन स्टीरियोटाइप की वजह से बैन किया गया था। इस एपिसोड में साउथ इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप दिखाया गया था, यानी कि जिस तरीके से वो बात करते हैं, उनके लुक्स को और कई सारी चीजें, और इसी वजह से इस एपिसोड को पहले लॉन्च तो किया गया था, पर फिर जब लोगों ने इसके ऊपर कंप्लेंट की फिर सेंसर बोर्ड ने इस एपिसोड को बैन करना ही सही सोचा, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में ही ये एरर था। इसके अलावा मोटू पतलू में और एक कैरेक्टर है जिसको लेकर काफी स्टीरियोटाइप किया जाता है, जिसके लिए भी ये काफी ज्यादा कंप्लेंट होती है। ऐसे देखा जाए तो मोटू पतलू के लगभग सारे ही कैरेक्टर्स को बहुत स्टीरियोटाइप किया गया, जिस वजह से कई लोगों को ये ऑफेंसिव लगता है। नंबर 6, द सिम्पसंस, द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस होमर सिम्पसंस। इस एपिसोड को पहले तो हर जगह पर शो किया गया था और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और एपिसोड काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी था, लेकिन इस एपिसोड के रिलीज होने के कई साल बाद 9/11 के अटैक के बाद इस एपिसोड को बैन किया गया, वो भी इसलिए नहीं क्योंकि इस एपिसोड में कुछ गलत था, बल्कि इसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिखाया गया था। और आपको पता होगा 9/11 के दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर प्लेन क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से कई लोगों की जान गई थी, और इसे अमेरिका के हिस्ट्री का डार्क डे भी कहा जाता है, और इसलिए इस चीज की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर ट्रॉमा है, और इन सबको देखकर इस एपिसोड को कुछ समय के लिए टेकआउट कर दिया गया और इसे हर जगह से हटा दिया गया, ताकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की चीजें देखकर लोगों को फिर से पूरे दिन याद ना आ जाए। पर जैसे जैसे चीजें सही हुई तो कुछ साल बाद इस एपिसोड को फिर से रिलीज किया गया था, पर बस कुछ जगह पर। नंबर 7, डेक्स्टर्स लैब
एबरेटरी रूल रिमूवल। एक टाइम पर इस कार्टून का काफी ज्यादा क्रेज था और ये काफी सारा क्रिएटिव कार्टून था। और वैसे तो ये काफी नॉर्मल कार्टून था, हाँ थोड़ा बहुत वायलेंट था पर उतना एंटरटेनमेंट के लिए चलता है। पर रियल प्रॉब्लम तब हो गई जब इसका रूल रिमूवल नाम का एक एपिसोड लॉन्च हुआ। इस एपिसोड में बहुत ज्यादा गलत चीजें दिखाई गई जो कि बच्चों के सामने नहीं दिखाई जा सकती। इसके बाद इसके हैबिट से लेकर बहुत ज्यादा शरारत और वायलेंस भी, यहाँ तक कि डेक्स्टर को भी इसमें बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए दिखाया गया था जो कि बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। और इन सब रीजन की वजह से ये भी बैन हो गया। नंबर 7, करेज द कावर्डली डॉग फ्रीकी फ्रेड। करेज द कावर्डली डॉग ये वाला एपिसोड बैन हो गया था क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर डिजाइन है, जो स्टोरी रिवॉल्व होती है और जो कैरेक्टर का बिहेवियर है वो बहुत सारा बुरा था और काफी क्रीपी भी था। माना है शो बहुत ही डरावना है लेकिन इस एपिसोड में थोड़ी लिमिट पार कर दी जिस वजह से अगर बच्चों को दिखाया जाता है तो ये बच्चों के लिए बुरा हो सकता है, उन्हें नाइटमेयर हो सकते हैं और यहाँ तक कि वो बीमार भी पड़ सकते थे। तो इस वजह से ऐसे एपिसोड को बैन कर दिया गया और ये एपिसोड बहुत ही रेयरली किसी जगह पर एयर हुआ था। नंबर 8, द पावर पफ गर्ल्स सी मी फील मी एंड ग्यू मी। कहने को तो ये कार्टून लड़कियों के लिए लेकिन हम भी इसे बड़े शौक से देखते थे। वैसे ये कम्प्लीटली फैमिली फ्रेंडली है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए बैन किया जाए, पर इसका एक एपिसोड या फिर कह सकते हो कुछ एपिसोड की स्टोरी है सी मी फील मी ग्यू मी, जो कि अमेरिका में बैन हो गई थी और उसके बाद बाकी सारे कंट्री में इसे ज्यादा एयर नहीं किया जाता। और इसके पीछे ये रीजन है कि इसमें जो थीम यूज की गई है वो काफी ऑफेंसिव है, इसी के साथ इसका कैरेक्टर काफी इम्प्रॉपर था तो ये बैन हो गया। नंबर 9, बेंटन डोंट ड्रिंक द वाटर। बेंटन कार्टून जो है इसे देखते वक्त हम बैठ कर आराम से चिल कर सकते थे पर ऐसे में अगर बच्चों को ट्रॉमा दिया जाए तो कैसा लगेगा। कुछ इसी रीजन की वजह से इस वाले एपिसोड को बैन किया गया था। इसमें कुछ फ्यूचर की दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर पानी एकदम ही खत्म हो जाता है और इसकी वजह से लोग प्यास से बहुत ज्यादा तड़पने लगते हैं और लोगों को लगा कि सारी चीजें बच्चों को दिखाना काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है, इसलिए इस डिस्टोपिया वाले एपिसोड को बैन किया गया हालतों में बच्चों को टेंशन ना देने के लिए, क्योंकि माना वाटर के लिए अवेयरनेस फैलाना सही है लेकिन इस चीज को लेकर उन्हें ट्रॉमेटाइज कर देना बिल्कुल सही नहीं है। भाई इतना सब कुछ तो आपने जान लिया पर क्या आपको ये पता था कि लोग पहले मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज का नाम सुनकर ही बहुत डरते थे, लेकिन ऐसा क्यों? और क्यों पहले कोको कोला को लोग इंजेक्शन में डाल कर लेते थे, ऐसा क्यों करते थे इस वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को आप बीच आगे देखो यार, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।